अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना द फादर ऑफ द नेशन केम टू लाहौर ऑन 14 जुलाई 1929 टू डिफेंड द केस ऑफ गाजी इल्मुद्दीन शहीद। ठीक है कोर्ट, ही स्टेड इन दिस रूम। ये 101 नंबर कमरा है, तो ये 101 नंबर कमरा है, कैद आजम का कमरा ये मशहूर है जी, फ्लैटी होटल का। ये देखे इधर दूर तक कमरे हैं। जनाब डॉक्टर मुनीर साहब, मुनीर साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, बहुत खुशी की बात है कि आज आपने हजरत कैद आजम वाला कमरा और वो जो मुकद्दस केस के सिलसिले में कराची से लाहौर आए थे, ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं ये खुशी के आंसू आ रहे हैं। अच्छा, मुकद्दस शख्सियत का मैंने जो है ना कमरा देखा। चल ठीक, मुकद्दस काम के लिए ठीक है जी। आए जी, हम आपको अंदर वाली साइड दिखाते हैं जी, अंदर वाली साइड दिखाते हैं। ये जनाब ये एंट्रेंस है, ये जी कैद आजम साहब का रूम है, इधर हम करते हैं। तो ये डॉक्टर मुनीर साहब हो रही है जी, इधर बहुत खुशी हो रही है, मेरी जिंदगी में पहली दफा खुशी इस कमरे में हो रही है और खुशी के आंसू आ रहे हैं। हाँ। कि हजरत कैद आजम के कमरे में आया हूँ, मेरे लिए और खुशकिस्मती और इससे क्या। हाँ जी, तो ये इनके वो ये टेबल वगैरह खाने का लगा हुआ है, ठीक है, ये और खुशी की बात है। हाँ, और ये बेडरूम है, ये देखें जी मुनीर साहब, ये देखें ये बेडरूम है, इसके ऊपर कोई तबसरा आप करना चाहते हैं तो बताएं। ये खुशी की बात है कि एक सादा सा बेडरूम है, ये कौम का बानी, हमारे मुल्क का बानी हमें एक आजादी दे गया, वो इस बेड पे आके लेटे। हाँ जी, ये हमारे लिए खुशी की बात है जी, ये दुनिया देखेगी, इसलिए मैं हर्बल वे के नाजरीन को कहता हूँ कि ये बेड देखे, हजरत कैद आजम इस बेड पे आके लेटे थे और वो एक मुकद्दस केस के सिलसिले में यहाँ आए जी। तो ये उनका ये देखें, ये जी टीवी है और ये सारा सेट है। अब आपको हम कैद आजम की ओरिजिनल तस्वीर भी दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये जो इनकी ओरिजिनल तस्वीर है और वो तस्वीर वाली कुर्सी भी मौजूद है, ये पहले ये देखें, ये मुनीर साहब ये वो कुर्सी है जहाँ पे कैद आजम आए, और ये कुर्सी वो ये है, ये देखें, ये कुर्सी है सर, ये इसके ऊपर आप भी थोड़ा सा बैठे, मैं आपकी तस्वीर बनाऊ मुनीर साहब। ये खुशी की बात है कि उस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ जहाँ हजरत कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ फरमा थे। हाँ जी, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ये मेरे लिए राहत का बहस है जी जी। हरबल नाजरीन आप भी खुश हो जाए कि मैं ऐसी कुर्सी पे बैठा हूँ जहाँ हजरत कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब तशरीफ रहे थे जी। ये फोटो किन के साथ है? और ये जनाब ये उनका स्टडी वाला वो टेबल था, और ये आप चूंकि ये कमरा वो रेंट पे भी देते हैं, तो ये उनकी ये नेहरू और उनकी ये कैद आजम की जवानी और ये उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत है, इन्होंने डेकोरेट भी किया हुआ है, तो खूबसूरत कमरा। और अगर आप भी इधर स्टे करना चाहें, कोई लोग आके स्टे कर सकते हैं। इनका जो रेंट है वो फ्लैटी होटल से आप पता कर लें, तो कोई बंदा एजाज लेना चाहे एजाज वहाँ स्टे। जैसे ये आज डॉक्टर मुनीर साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि जी मैं इधर आया हूँ, तो बार बार ये कह रहे हैं, मैं खुशी के आंसू निकल रहे हैं, मुनीर साहब ये कह रहे हैं। तो ये बहरहाल बहुत एजाज वाली बात है, आम लोगों को पता ही नहीं है, तो आप ये देखें और यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। पाकिस्तान बानी है, पाकिस्तान हमें इस्लामी दुनिया में एक पूरी दुनिया में एक स्टेटस देने वाले हजरत कैद आजम का कमरा है, इससे और खुशी की बात जो यहाँ है जी। मुझे करें इसकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे चैनल में जो नए लोग आए हैं, आप ये कमरा देखें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, और लोगों को देखें ताकि लोग हजरत कैद आजम का कमरा देखें और लुत्फ अंदोज हों। ये हमारे बानी पाकिस्तान का कमरा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।